नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुबह के 10 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जोधपुर में 3 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई। PHQ की CID क्राइम ब्रांच टीम ने फलौदी में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक तस्कर को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। लग्जरी कार में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। ADG दिनेश एमएन के निर्देशन में जयपुर से ये टीम भेजी गई। DIG राहुल प्रकाश के सुपरविजन में देर रात तक ऑपरेशन चला और एक आरोपी गिरफ्त में भी आया है। बरकतुल्ला जोधपुर का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से तकरीबन 6 किलो स्मैक बरामद की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। बड़े पैमाने पर तस्करी का खेल चल रहा था और सबसे बड़ी सफलता मिली है टीम को। एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और कहां कहां तस्करी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो लग्जरी कार में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। ADG दिनेश एमन के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। DIG राहुल प्रकाश के सुपरविजन में देर रात तक कार्रवाई चलती रही। 6 किलो स्मैक बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ आंकी गई है। क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई और लगातार पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच की ओर से जांच जारी। तो मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से छापे किए जा रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, राजधानी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है क्राइम ब्रांच की ओर से। जोधपुर में 3 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है। अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर नेटवर्क होगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। इन्हें पता लगाने के लिए लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। PHQ की CID क्राइम ब्रांच टीम ने फलौदी में ये कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वही लग्जरी कार है जिसमें स्मैक की तस्करी की जा रही थी। तस्कर को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और लगातार क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ में जुटी हुई है। लग्जरी कार में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। अब निश्चित तौर पर, क्योंकि 3 करोड़ का स्मैक बरामद हुआ है, ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा होगा। अब पूरे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ गुरुवार को सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई की। एडिशनल DCP सुलेश चौधरी के सुपरविजन में CST ने